जिला झांसी के अंतर्गत तहसील मऊरानीपुर की जयंती पैलेस में भाजपा अनुसूचित जाति का जिला भव्य सम्मेलन हुआ। जिला झांसी के अंतर्गत तहसील मऊरानीपुर में जयंती पैलेस में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का भव्य सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में वर्तमान समय में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी भी मौजूद रहे। सभी संभावित प्रत्याशियों के समर्थक भी इस सम्मान समारोह में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवा योजन मंत्री भाजपा रहे। इस अनुसूचित जाति के भव्य समारोह में वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों का बखान किया। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओं से हाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में तन मन धन से कार्य करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने बहुमत से भाजपा सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम में संचालन आयुष श्रीवास ने किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार भी उपस्थित रहे, जो अपने समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में विधायक बिहारी लाल आर्य ने अपने उद्बोधन में कहा, भाजपा सरकार जो कहती है वह करती है। मुख्य अतिथि सेवा योजन राज्य मंत्री भाजपा ने अपने उद्बोधन में एकजुट होकर पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें से जिसको भी एक को पार्टी टिकट दे, उसके लिए सभी मिलजुल कर एक होकर कार्य करें। सभी का एक लक्ष्य भाजपा को विजयश्री दिलाना है। ऐसा बुंदेलखंड के रूप में पूरे भारत में ही पूरे दुनिया में पहचाना जाए, ऐसा बुंदेलखंड बनाने का हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन्हें संकल्प दिया है, आज उसको अमली जामा पहचाने का काम वो कर रहे हैं। आप डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा काम है, किसी की बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सबके चरणों में सादर नमन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। कितना बड़ा बुंदेलखंड कि विकास में जो सब मिलता, कैसा बुंदेलखंड कि विकसित बुंदेलखंड के रूप में पूरे भारत में ही पूरे दुनिया में पहचाना जाए, ऐसा बुंदेलखंड बनाने का हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जिन्हें संकल्प दिया है, आज उसको अमली जामा पहचाने का काम वो कर रहे हैं। आप डिफेंस कॉरिडोर कितना बड़ा काम है, किसी की आप लोगों की माताएं बहनें, हम लोगों की सभी की माताएं बहनें बुजुर्ग जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको परेशानियां होती थी खाना बनाने में पकाने में, तो आपको गैस सिलेंडर चूल्हा दिया, आपको आवास दिए, आपको शौचालय दिए, आपको आयुष्मान कार्ड दिया, आपके कोई भी कैंसर जैसी बीमारी उसमें आप हर वर्ष में 5 वर्ष में 5 लाख और 10 वर्ष में 10 लाख 15 वर्ष में पूरे देश और प्रदेश को इतना लाभ मिलता है कि वो लाभ आप उसको बाद में एहसास कर सकते हैं। फ्री में कार्ड बनता है और उस कार्ड को अवश्य बनवाए, उसमें 5 लाख रुपया मिलता है, हाथ पैर टूटे तो 3 लाख रुपया मिलता है और कोई आंशिक दुर्घटना कुछ हो तो उसमें 2 लाख रुपया मिलता है। फिर भी 1 लाख रुपया मकान के लिए खाते में पहुंच जाता है। फिर भी आपको 12,000 बैंकिंग पेंटिंग को मिलता है, आपके लिए 12,000 शौचालय को भी अलग से मिलता है। अब मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए जो प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य करके दिखाया हमारे सैनिकों पर, आतंकवादियों ने बस के अंदर 40 सैनिक बारूद से